हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, मैं नवनीत सर, मैं आपको पढ़ा रहा था 11th क्लास का वेक्टर, और इस वेक्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो किसी वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसको आप लोग समझिए। तो चलिए, जैसे मान लो ये मैंने बनाया बेटा एक्स एक्सिस, और ये बनाया मैं वाई एक्सिस। तो ये जो ये यहाँ पर मैंने ओ और ए इस एक वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो ओ और ए एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, एक वेक्टर है। और इस ये जो एरो है यही वेक्टर है यार। तो एरो की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो जो है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड देगी। लेंथ ऑफ एरो क्या देगी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आ गया होगा। और जो इसका एरो है वो डायरेक्शन देगा। एरो को बोलते हैं हेड, ये जो एरो है, ठीक है, एरो, इस एरो को बोलते हैं हेड। ठीक है, और जहां से स्टार्ट होगा यहां से, इसको बोलेंगे टेल। ध्यान रखना इसको, ये हेड है और ये टेल है। तो जब ये हेड है और ये टेल है, तो इसकी जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बता दी, मैग्नीट्यूड वेक्टर की। और ये जो हेड है वो वेक्टर का डायरेक्शन बता दिया, जो एरो है इस पर वो डायरेक्शन बता दिया। तो हो गया ना कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। भाई वेक्टर क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो उसका एक स्केल ले लिया जाता है जनरली यार, कि ये लेंथ इतना मीटर का होगा, पर सेंटीमीटर इतना, ऐसा कुछ। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो बेसिकली यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो, अब ये जो बात है वो समझने वाली बात है प्यारे बच्चों, ये कुछ ज़्यादा ही समझने वाली बात है कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ठीक है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है। तो हेड टू हेड या टेल टू टेल बताए ना, हेड क्या होता है, टेल क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है कि हेड टू हेड या टेल टू टेल जो एंगल होता है वही वेक्टर एंगल होता है। ठीक है ना, वही क्या होता है, वेक्टर एंगल होता है। जो हेड टू हेड या टेल टू टेल होगा वही वेक्टर एंगल होता है। अब कैसे, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं ना, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो इसको, जैसे मान लो यहाँ पे कोई वेक्टर है ये, और यहाँ से कोई वेक्टर ये गया, तो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि क्या वेक्टर एंगल, ये वाला क्या वेक्टर एंगल है, नहीं, गलत है, क्योंकि पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल के साथ मिला हुआ है। गाना सुने हो ना यार बॉलीवुड में, ताल से ताल मिला, यहाँ क्या क्या गाओगे, टेल से टेल मिला, हेड से हेड मिला, तब जाके वेक्टर एंगल निकाल। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे टेल, ठीक है, टेल एंड दूसरे का हेड मिला है, तो क्या है, गलत है, हेड टू हेड या टेल टू टेल, तो ये वेक्टर एंगल है ही नहीं भाई। अगर मुझे वेक्टर एंगल चाहिए, अगर यहाँ पर आपकी इच्छा है कि वेक्टर एंगल निकालो आप, तो वेक्टर एंगल यहाँ पे निकालने का जो तरीका है, ठीक है, तो वो वेक्टर एंगल निकालने का तरीका ये है कि ये देखो ऐसे था। तो अगर मैं वेक्टर एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, समझना, हेड टू हेड टेल टू टेल रहना चाहिए। अगर मैं नीचे वाले वेक्टर को थोड़ा सा नीचे इधर खिसका दूँ, यहाँ पर खिसका दूँ, शिफ्ट कर दूँ, या तो देखो इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक ना, क्यों, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदली नहीं, तो वेक्टर बदलेगा नहीं। वेक्टर कब नहीं बदलेगा फिजिक्स में, ध्यान से मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनो मेरे भाई, वेक्टर कब नहीं बदलेगा, जब वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं बदली तो वेक्टर नहीं बदलेगा। वेक्टर कब बदलेगा, जब डायरेक्शन बदली मैग्नीट्यूड बदली दोनों बदल गई। ठीक है, तो मैं इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो ये तब देखो हेड टू हेड ये वाला जो एंगल है थीटा, ये वेक्टर एंगल है, अल्फा वेक्टर एंगल नहीं है, दिस इज नॉट वेक्टर एंगल
नॉट वेक्टर एंगल, ये वेक्टर एंगल नहीं है, थीटा वेक्टर एंगल है, थीटा क्या है, वेक्टर एंगल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हेड टू हेड है यार, ठीक है, अगर टेल टू टेल बनाना चाहते हो, टेल टू टेल बनाना चाहते हो, तो एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, इसको ए वाले को जो वेक्टर ए है इसको आगे शिफ्ट कर दो, आगे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना भाई, डायरेक्शन भी नहीं बदला, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला, इसको उठा के मैं यहाँ रख दिया, ठीक है, तो अब ये जो एंगल बना थीटा वो टेल टू टेल है, ये जो एंगल थीटा है, थीटा वो टेल टू टेल है, टेल टू टेल है, आ रही बात समझ में, और ये जो थीटा है वो हेड टू हेड है, हेड टू हेड है, तो अब टेल टू टेल हेड टू हेड जो एंगल होता है वही तो वेक्टर एंगल होता है भाई, और इसकी अब देखो इसकी जो खास बात होती है थीटा, थीटा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए भाई, थीटा, थीटा की जो वैल्यू है, थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 180, मस्ट बी लेस देन या इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और इसको आप नोट कर लो, जो वेक्टर एंगल है, ठीक है, वो दो वेक्टर के बीच जो एंगल है वो 180 से कम होगा, बराबर भी हो सकता है, और 0 और 0 से कम ही होगा, फॉर एग्जाम्पल समझो इसको, थोड़ा सा और समझो इसको, वेक्टर एंगल कि वेक्टर एंगल क्या होती है, जैसे मान लो दोनों ये वेक्टर, दो जो वेक्टर थे ये ऐसे लगने लगा और इस इधर बी भी लगने लगा, ठीक है, तो ये दोनों इसमें थीटा क्या आ गया, 0 आ गया यार, ठीक है, अगर ए ऐसे लगने लगा और बी ऐसे लगने लगा तो थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, ठीक है, अब देखो बी वाला वेक्टर ऐसे आया, लेकिन अगर ये किसी दूसरे पर्टिकुलर एंगल पे है तब क्या होगा, समझो अगर दूसरा कोई एंगल है, जैसे मान लो, समझना इसको, समझना समझना, समझने वाली बात है, अटेंशन, ये दो वेक्टर है, समझना ये वेक्टर एक्स है और ये वाई नाम के दो वेक्टर है, अब ये जो P पॉइंट पे जहाँ पर ये मिल रहे हैं P पॉइंट पे, इनके बीच टेल टू टेल मैं बताया, तो टेल टू टेल दो एंगल है, देखो एक ये वाला एंगल है टेल टू टेल थीटा, ठीक है, और एक बड़ा वाला एंगल है ये अल्फा, जिसकी वैल्यू है 2π - θ, एक पॉइंट पे कितना एंगल होता है, प्लेन एंगल 2π, तो अगर ये थीटा हुआ, ठीक है, तो ये 2π, तो कुछ ज़्यादा तो जो छोटा वाला है वो वेक्टर एंगल है, थीटा इज वेक्टर एंगल, थीटा इज वेक्टर एंगल, थीटा इज वेक्टर एंगल, ठीक है, जो छोटा वाला होगा छोटे वाले को लेंगे, छोटे वाला जो छोटू वेक्टर है, छोटू एंगल है, सॉरी जो छोटू एंगल है छोटा वाला उसको लेंगे भाई, जो थीटा है, थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये वेक्टर एंगल है, ठीक है, आया कुछ समझ में, नहीं आया वीडियो पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से देखो मेरी बातें सुनो, थोड़ा सा और कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाता हूँ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन वेक्टर ए और बी सी से बना है, ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वेक्टर ए बी और सी की लेंथ, ए बी सी की जो लेंथ है वो बराबर है, मान लो 2 मीटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या आप ए बी के बीच का एंगल बता सकते हो, व्हाट इज एंगल बिटवीन, व्हाट इज एंगल, व्हाट इज एंगल, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए, अरे भाई हाँ बहुत बेसिक, जब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा ना बेसिक, तो तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता यार, बेसिक अगर क्लियर है तो,
आईआईटी और मेडिकल नीट में, स्पेशली आईआईटी में, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सवाल करते हैं हम लोग, ये करवाते हैं वो करवाते हैं, पर पता है जो अब प्रोफेसर होते हैं वो बेसिक चेक करते हैं, ठीक है, सब जगह फंडामेंटल चेक किया जाता है, पूरी दुनिया छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बनी है। चलो तो बेटा ए और बी के बीच देखो, ए इधर है और बी इधर है, इस पॉइंट पर ए और बी के बीच का एंगल क्या ये वाला 60 डिग्री एंगल है ए और बी के बीच का? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये एंगल नहीं है इनके बीच का यार। इस पॉइंट पे बी का, समझ रहे ना, बी का यहां से ऐसे जा रहा है, तो बी का टेल है और इसका हेड है, ठीक है, तो इसका हेड यहां पर आया और समझ रहे ना, ये इसका हेड यहां पर है और इसका टेल इधर है। तो अब मैं अगर यहां पर निकालना है तो मैं एक काम करूं, इसको मैं आगे शिफ्ट कर दूं, ए को आगे शिफ्ट कर दूं, चलो ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिए, तो ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिए, अब यहां पर दो एंगल बना है टेल टू टेल, एक ये वाला एंगल बना है टेल टू टेल और एक बड़ा वाला एंगल बना है ये वाला टेल टू टेल, ठीक है, तो ये 60 है तो ये पूरा 180 है, ठीक है, तो ये कितना हुआ 120, तो इसका सोल्यूशन क्या है 120, तो 120 डिग्री जो है ये इनके बीच का एंगल है, ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला एंगल है 120, वो बड़ा वाला एंगल 2 कितना हो गया 240, ठीक है, तो 240 डिग्री जो है ये वेक्टर एंगल नहीं है, ये गलत है, ठीक है, 120 डिग्री वेक्टर एंगल है, 180 से कम है ना भाई। चलो अब यहां आ जाओ, बताओ तुम बी और सी, बी सी कहाँ है, बी इधर है और सी इधर है, तो बी इधर है तो बी को अगर मैं इधर बढ़ा दूं भाई, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा इन दोनों के टेल के टेल, तो ये भी 120 डिग्री क्योंकि ये 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, सी और ए, तो सी को इधर बढ़ा दो, ठीक है, तो ये सी आ गया और ये ए आ गया, तो ये जो 120 डिग्री है वो वेक्टर एंगल है, ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, तो इन तीनों का जो सोल्यूशन है 120 डिग्री ही है, ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा वेक्टर एंगल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग ऑफ एंगल, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ठीक है, बार बार फिजिक्स में इसको मैं यूज करूँगा कि कुछ जो वेक्टर होते हैं, ठीक है, उनको मैं कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है यार, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, ठीक है ना, 10 न्यूटन है, मॉड वेक्टर ए मॉड है, 10 न्यूटन है और इधर लग रहा है। अब मैं इस वेक्टर को इसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, इसके पैरेलल बोले तो ये फ्री वेक्टर है, समझ रहे ना, एक फ्री वेक्टर मतलब इसको रखा जा सकता है, फिक्स नहीं है ना, ठीक है, तो ये फ्री वेक्टर है, तो इस फ्री वेक्टर को मैं यहाँ ड्रा कर दूँ, ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ और ना ही इसका मैग्नीट्यूड हुआ, तो ये वेक्टर ए ही है, इस ए वेक्टर को मैं इधर आगे शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, समझ ना, बोर्ड से बाहर चला जाएगा ये, तो ये वही वेक्टर है, इसको मैं इधर पीछे ड्रा कर दूं, उतना ही लेंथ और उतना ही मैग्नीट्यूड का, इसको मैं इधर ड्रा कर दूं, ठीक है, इसको मैं बोर्ड के अंदर ले जाऊं, इसको मैं बोर्ड से बाहर ला दूं, इसको मैं बोर्ड से बाहर ला दिया, तो ऐसे इधर ही लग रहा है और ये चेंज नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर मतलब होता है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिना चेंज किए उसको तुम कहीं भी रख सकते हो, फ्री वेक्टर को, ठीक है, तो उनको तुम रख सकते हो, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। या एक कंडीशन और भी है कि अगर मैं इस वेक्टर को, ए वेक्टर को, ठीक है ना, इसके अगर ये पी पॉइंट पे इसका टेल है, इसके टेल पे 220 डिग्री रोटेट करा दिया, थीटा इज इक्वल टू 220 डिग्री रोटेट करा दिया, ऐसे था मैंने यूं रोटेट करा दिया, तभी भी वेक्टर चेंज नहीं होता, ऐसे कोई वेक्टर था इसको मैंने यूं रोटेट करा दिया, ठीक है, समझ रहे ना, 220 डिग्री रोटेट किया तभी भी वेक्टर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर 360 के अलावा और कोई भी रोटेशन दोगे, जैसे वेक्टर है इसको मैंने रोटेट करा दिया 360 डिग्री, तो ये वेक्टर चेंज नहीं हुआ, लेकिन 360 के अलावा और कोई रोटेट कराए तो भाई वेक्टर बदल चुका, ठीक है भाई, ये वेक्टर ए था और मैंने इसको 30 डिग्री इधर घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो क्या अभी भी ये वेक्टर ए ही रहेगा क्या? लेंथ नहीं बदला है, 2 मीटर था और मैंने रोटेट करा दिया, अभी भी 2 मीटर है, क्या ये वाला वेक्टर सेम है? नहीं भाई, सेम नहीं है, ये ये
इसकी डायरेक्शन इधर थी और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन बदल जाने से वेक्टर बदल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आया होगा। इसके आगे मैं डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना।